अरे वाह, ये जगह तो अब बसती जा रही है। हमारे प्लाट के दाम बढ़ रहे हैं। इक्का दुक्का साल बाद हम इका बेच के एक नया बंगला ले लेंगे हमारी मिसेज के लिए। ऊ के बाद भी हमारे पास 50-60 लाख एक्स्ट्रा बचेंगे, क्योंकि इस जगह के दाम सोने चांदी से कम नहीं ना है। हीरे की नदियां बहती हैं यहाँ, लोग जो हैं सोने के लड़ुआ खाते हैं और चांदी का पानी पीते हैं सुसरे। साढ़े साथी अभी खत्म नहीं हुई है। आप कौन ज्योतिषी हैं? हम ज्योतिषी नहीं, गो माफिया हैं। चिरकुंडा पांडे। गो माफिया? गो माफिया है तो जाकर गो उठाइए। हमारे प्लाट को काहे घूर रहे हैं गिद्ध जैसे? क्योंकि ये हमारा प्लाट है। तुम्हारे जैसे चिंदी को हम रोज बीड़ी में डाल के सूत जाते हैं। हमको कौनो गुंडागर्दी की बू आ रही है? हमने तो अभी बीड़ी भी नहीं जलाया है और तुमको बू भी आने लगा। आप गू माफिया हैं तो प्लाट पे काहे डोरे डाल रहे हैं? अरे हम ई प्लाट में अपना गू का स्टॉक रखेंगे, उसे खाद बनेगा। किसान भाइयों की हम बड़ी परवाह करते हैं, उनको ब्लैक में बेचेंगे खाद। क्योंकि ऐसा है, यहाँ से दूर दूर तक के सारे खाद वालों को हमने जो है दुकान समेत उठवा लिया है। अब हमारे अलावा कोई खाद वाला नहीं ना बचा है। उठवा कर डंप कहाँ करवाए हैं आप खाद वालों को? तुम का CBI हो जो हम तुमको सफाई दें? चलो भागो यहाँ से, इस प्लाट की तरफ मुड़कर भी नहीं देखना, वरना तुमको भी डंप करवा देंगे स्कूल समेत। आप जानते हैं कि ये आपका प्लाट नहीं है, फिर भी आप इस पर गैर कानूनी कब्जा करना चाहते हैं? अरे हम गुंडे आए, और गुंडे से तुम ससुर सत्यनारायण की कथा कराने की उम्मीद तो नहीं कर सकते? अरे कथा भले ही ना कराइए, पर ऐसी पजामा गिरी तो मत पहनिए। लगता है मास्टर तुम मोटी चमड़ी के हो, तुमको स्कूल समेत उठवाना ही पड़ेगा, वरना तुम ऐसे ही बकलोली कर करके हमारी खुपड़िया गर्म करते रहोगे। अरे उठवाकर डंप कहाँ करवाएंगे ये तो बता दीजिए। नरक में करवाएंगे डंप, ये का मतवल जमीन के 100 फुट नीचे। ससुरे शासन प्रशासन को भी पता ही नहीं ना चलेगा। आप एक ऐसे राक्षस हैं जो नाश्ते में गु और खाने में भी गु ही खाता है। आपके बदनसीब माँ बाप आपका नाम बिल्कुल ठीक रखे हैं, आप चिरकुंडे ही हैं, जहुदिनी के चिरकुंडे। टीचर तू तो गया आज, तेरी तो। अरे बढ़ के भैया का है? कसर पसर कसर पसर कसर पसर कसर पसर कसर पसर। अरे मर गए, ये तो निकल लिए। निकल लिए? ऐसा का मंत्र फूक दिया आप इनके कान में? मंत्र नहीं ना फूका, हमने बस इतना बोला कि कल जो आप कांड किए रहे होटल में, उका कौनो आपके दुश्मन ने वीडियो बना लिया है और भाभी जी को MMS कर दिया। भाभी जी आपका इंतजार कर रही हैं हसिया लेकर, झेल नहीं पाए, बाईपास सर्जरी हो चुकी है इनका। ई का कहते हैं इंस्टेंट कर्मा, ससुरा हमको स्कूल समेत उठवाकर डंप करने वाला था, अब ई के घर वाले डंप करेंगे, वो भी गंदे नाले में। अरे अभी हम जिंदा हूँ ससुर। अरे बाप रे, हमारी बात सुन के ई ससुरे की आत्मा ई के शरीर में समा गई। भाग अध्यापक भाग, वरना ई हमका गंदे नाले में डंप करवा देगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हंगामा राजा को अभी और बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। अरे वाह, ये जगह तो अब बसती जा रही है। हमारे प्लाट के दाम बढ़ रहे हैं। इक्का दुक्का साल बाद हम इका बेच के एक नया बंगला ले लेंगे हमारी मिसेज के लिए। ऊ के बाद भी हमारे पास 50-60 लाख एक्स्ट्रा बचेंगे, क्योंकि इस जगह के दाम सोने चांदी से कम नहीं ना है। हीरे की नदियां बहती हैं यहाँ, लोग जो हैं सोने के लड़ुआ खाते हैं और चांदी का पानी पीते हैं सुसरे। साढ़े साथी अभी खत्म नहीं हुई है। आप कौन ज्योतिषी हैं? हम ज्योतिषी नहीं, गो माफिया हैं। चिरकुंडा पांडे। गो माफिया? गो माफिया है तो जाकर गो उठाइए। हमारे प्लाट को काहे घूर रहे हैं गिद्ध जैसे?
क्योंकि ये हमारा प्लाट है। तुम्हारे जैसे चिंदी को हम रोज बीड़ी में डाल के सूत जाते हैं। हमको कोनो गुंडागर्दी की बू आ रही है? हमने तो अभी बीड़ी भी नहीं चलाया है और तुमको बू भी आने लगा। आप गू माफिया हैं तो प्लाट पे काहे डोरे डाल रहे हैं? अरे हम ई प्लाट में अपना गू का स्टॉक रखेंगे, उसे खाद बनेगा। किसान भाइयों की हम बड़ी परवाह करते हैं, उनको ब्लैक में बेचेंगे खाद। क्योंकि ऐसा है, यहाँ से दूर दूर तक के सारे खाद वालों को हमने जो है दुकान समेत उठवा लिया है। अब हमारे अलावा कोई खाद वाला नहीं ना बचा है। उठवा कर डंप कहाँ करवाए हैं आप खाद वालों को? तुम का CBI हो जो हम तुमको सफाई दें? चलो भागो यहाँ से, इस प्लाट की तरफ मुड़कर भी नहीं देखना, वरना तुमको भी डंप करवा देंगे स्कूल समेत। आप जानते हैं कि ये आपका प्लाट नहीं है, फिर भी आप इस पर गैर कानूनी कब्जा करना चाहते हैं? अरे हम गुंडे आए, और गुंडे से तुम ससुर सत्यनारायण की कथा कराने की उम्मीद तो नहीं कर सकते? अरे कथा भले ही न कराइए, पर ऐसी पजामा गिरी तो मत पहनिए। लगता है मास्टर तुम मोटी चमड़ी के हो, तुमको स्कूल समेत उठवाना ही पड़ेगा, वरना तुम ऐसे ही बकलोली कर करके हमारी खुपड़िया गर्म करते रहोगे। अरे उठवाकर डंप कहाँ करवाएंगे ये तो बता दीजिए। नरक में करवाएंगे डंप, ये काम अतवल जमीन के 100 फुट नीचे, ससुरे शासन प्रशासन को भी पता ही नहीं ना चलेगा। आप एक ऐसे राक्षस हैं जो नाश्ते में गु और खाने में भी गु ही खाता है। आपके बजनशी माँ बाप आपका नाम बिल्कुल ठीक रखे हैं, आप चिरकुंडे ही हैं, जहुदिनी के चिरकुंडे। टीचर तू तो गया आज, तेरी तो। अरे बड़ के भैया का है? अरे मर गए। ये तो निकल लिए। निकल लिए? ऐसा का मंत्र फूक दिया आप इनके कान में? मंत्र नहीं ना फूका, हमने बस इतना बोला कि कल जो आप कांड किए रहे होटल में, उका कौनो आपके दुश्मन ने वीडियो बना लिया है और भाभी जी को MMS कर दिया। भाभी जी आपका इंतजार कर रही हैं हसिया लेकर, झेल नहीं पाए, बाईपास सर्जरी हो चुकी है इनका। ईका कहते हैं इंस्टेंट कर्मा, ससुरा हमको स्कूल समेत उठवाकर डंप करने वाला था, अब ईका ई के घर वाले डंप करेंगे, वो भी गंदे नाले में। अरे अभी हम जिंदा हूँ ससुर। अरे बाप रे, हमारी बात सुन के ई ससुरे की आत्मा ई के शरीर में समा गई। भाग अध्यापक भाग, वरना ई हमका गंदे नाले में डंप करवा देगा।